Dr. Surinder Yadav, who is the coordinator of homeopathy in the office of DG Ayush, Haryana. He is also the doctor, panel doctor of Haryana Olympic Association and the president of Haryana State Homeopathic Medical Officers Association. He has been the ex-registrar at Haryana office. Sir, we welcome you to the BJN Homeopathy 360 World. Thank you. So there are a few questions which I would like to ask you. Okay. So what steps have been taken to simplify the registration process for the students? In this regard, जो CCS ने guideline lay down की है, उनके अनुसार हम registration करते हैं. जिस colleges का हमारे near about है, gazette notification होता है, और वो हमें attested copy करके और documents हमें भेज दे principal से signature करा के, तो हम उनका जल्दी से registration कर देते हैं. Second process होता है कि जो वो अपने documents हमें देते हैं, उसकी हम जहाँ से वो पास आउट होते हैं उस स्टेट से वेरिफिकेशन कराते हैं, और वेरिफिकेशन कराने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं. इसमें हमारी तरफ से, सेंट्रल काउंसिल की तरफ से बड़ी अच्छी टीम आई हुई है, आजकल बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही है, और आते ही हम उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं. रिगार्डिंग जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होते हैं, स्टेट में एक ही होम्योपैथिक कॉलेज है, जेआर किसान होम्योपैथिक कॉलेज रोहतक, उसके अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हम मोस्टली सेम डे करके देते हैं. 90% अगर हम कहें तो हम सेम डे, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो हम सेम डे करके दे देते हैं. काफी कन्वीनियंट हो गया. काफी कन्वीनियंट है, और काउंसिल के वर्क के ऊपर 2015 के अंदर मुझे गवर्नर ऑफ हरियाणा ने सम्मानित भी किया था. थैंक्स. सर, यू बीइंग अ पैनल डॉक्टर ऑफ हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन स्पोर्ट्स इन हरियाणा? देखो, होम्योपैथिक का हर फील्ड के अंदर बहुत ही स्कोप है, चाहे वो आप हम कोई भी फील्ड ले लें, लेकिन जरूरत है उस फील्ड को तराशने की, देखने की. मेरे से पहले या आज तक कभी भी किसी का ध्यान ओलंपिक जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें डॉक्टर, अब तक फिजियोथेरापिस्ट या एलोपैथिक ही होते आए हैं, लेकिन मैं पहला डॉक्टर हूँ आज तक जो हरियाणा ओलंपिक का पैनल डॉक्टर होम्योपैथिक की तरफ से बना हूँ. मेरे अलावा कोई भी आयुष की तरफ से वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है. और स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर काम आती है. मैं तो CCS से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए एक डिप्लोमा होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे पास आउट करके, जैसे एलोपैथी के ऊपर इतने फील्ड्स हैं हमारे यहाँ, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद MD कर लो, उसके अलावा और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है. अब PhD और कुछ कोर्सेज आ रहे हैं, लेकिन अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं जहाँ तक मेरा ध्यान है. तो इस टाइप से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन बाई होम्योपैथी भी CCS को रिकमेंड करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ आयुष को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिससे कि हमारी होम्योपैथी स्पोर्ट्स के अंदर भी एक अपना रोल अदा करे. हरियाणा के अंदर नई सरकार आने के बाद आयुष यूनिवर्सिटी बन चुकी है आगे, क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुकी है, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर है. जब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है तो वो काम स्टार्ट हो चुका है. तो आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर बन रही है, इसके अंदर होम्योपैथी भी आयुष का ही एक पार्ट है. और इसके अलावा काफी आयुष मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे आयुर्वेदा होम्योपैथी दोनों साथ पढ़ाए जाएंगे, आयुष कॉलेजेस आ रहे हैं. ये एक फर्स्ट टाइम मुझे लगता है वर्ल्ड में, या इंडिया में कहें, फर्स्ट टाइम है कि आयुष कॉलेजेस आ रहे हैं. अब तक आयुर्वेदा होम्योपैथी कॉलेज अलग अलग से होते थे, लेकिन अब आयुष कॉलेज आ रहे हैं,
तो एक बहुत अच्छा हरियाणा में होम्योपैथी का मैं कहता हूँ कि स्कोप बढ़ रहा है। सर तो वो कंबाइंड कॉलेजेस होंगे बेसिकली कंबाइन जहाँ पर कॉलेजेस कुछ। होंगे, अच्छा सर, हाउ डू यू थिंक आर ऑनलाइन पोर्टल होम्योपैथी 360 कैन हेल्प द स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स? जब हमारा टाइम था, जिस टाइम हमने पास आउट किया था, उस टाइम सिर्फ एक बुक्स पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई भी साधन नहीं था, कोई प्रिपरेशन करने के लिए। या आजकल जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, इस टाइप से बहुत सिस्टम्स आ गए हैं आपको हर चीज को एनालिसिस करने का, सिम्टोमाइज करने का, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को करने का। तो इस फील्ड के अंदर जो आपकी तरफ से 360 लॉन्च हुआ है, मैं कहता हूं कि ये डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी के लिए एक माइलस्टोन होगा। चाहे आपने कोई किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो, चाहे होम्योपैथी से रिलेटेड कोई बुक देखनी हो, और उससे रिलेटेड कुछ भी आपने होम्योपैथी से है, तो मैं तो इसमें सच माने तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ 360 इंट्रोड्यूस करने पर। और मुझे उम्मीद, क्योंकि जब से हमने होम्योपैथी फील्ड के अंदर अपना कदम रखा है, हम पुराने टाइम के अंदर भी कॉलेज से सीधे भगते थे, होम्योपैथी बुक्स कहाँ मिलती है, चूना मंडी बी जे एन के यहाँ, और हम ढूंढते ढूंढते वहां तक चले जाते थे। अब मुझे इतनी खुशी हुई कि आप इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कहीं रडार बना रहे हैं, कहीं 360 बना रहे हैं। ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए साइंटिफिकली हमें कैसे प्रूव करनी है होम्योपैथी, इसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी आपकी तरफ से होम्योपैथ्स के लिए गिफ्ट है। few books for the students and practitioners which you think will help them in their practice or in their studies and which you believe are some really milestone kind of a book. देखो, जैसे हम कहते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इस टाइप से होम्योपैथी का भी अपने बुक्स का, स्टूडेंट्स का, हमारे टाइम में मैंने आपका देखा था बोरिक, बहुत पढ़ते थे हम आपके टाइम में, एक सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज टाइप का कुछ एक बुक होता था बीजेन की तरफ, सिलेक्ट योर रेमेडी। सेलेक्ट योर रेमेडी वो था। तो उस टाइम में हमने आपकी ये बुक्स पढ़ी हैं, और आज के डेट में जो जो नया आपकी तरफ से साइंटिफिकली जो हम कहें कि ये सिस्टम्स आ रहे हैं, नेट आ रहा है, इसमें आपकी तरफ से जो सिस्टम्स दिए जा रहे हैं, 360 है और है, तो ये उनके डिमांड के ऊपर, उनकी अपनी चाह के ऊपर, तो हम इंटरनेशनली किसी भी कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, किसी भी कंट्री के बुक्स के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ आपके द्वारा सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस बीजेनी है, तो ये एक टाइम टू टाइम आपकी जो बुक्स हैं उसका कैटलॉग है, वो कैटलॉग कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर दिया करें, जिससे कि लोगों को बुक्स और उनके बारे में पता चले। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम आने के बाद थोड़ा सा बुक्स से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ ऑफिशियल वर्क और पेशेंट के अलावा कुछ नहीं हमें ध्यान रहता। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर यू एंड बीजे।